दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक को अप्लाई को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो परेशान हो गए हैं। उसका अप्लाई नहीं हो रहा, उसका एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? नॉट वैलिड स्टूडेंट, या लिस्ट में नाम नहीं है, या फिर आप लोग को अप्लाई करने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इस वीडियो में सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसलिए आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखें। इसके बारे में और जानने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल और कंप्यूटर में किसी भी ब्राउजर को ओपन करना और सिंपली यहाँ पे टाइप करना है नो एनी थिंग्स। जैसे आप नो एनी थिंग्स टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में ही आ जाएगा नो एनी थिंग्स होम का। आपको इसे ओपन करना है। जब इसे आप ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट में ही ये वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा। इस वेबसाइट पर आपको सभी तरह की जानकारी मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप सेक्शन में नया पोस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 2023 है। सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे ये पोस्ट ओपन होकर आ जाएगा। अगर ये पोस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो सिंपली आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप के मेन्यू में आना है। स्कॉलरशिप के मेन्यू में आने के बाद जो भी एड आता है उसे आप क्लोज कर देंगे। उसे क्लोज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर ये पोस्ट मिल जाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है तो आप देख लेंगे। ओके, इस पोस्ट को ओपन कर ले। इस पोस्ट को ओपन करने के बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। तो अप्लाई करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स का अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि नॉट वैलिड स्टूडेंट। ओके, और यहां पे आपका लिस्ट में नाम है, फिर भी आपका अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपको इसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और कौन कौन से स्टूडेंट्स है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का नाम क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आ जाएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सिंपली आपको इस पोस्ट को अच्छे से रीड कर लेना। इस पोस्ट में आपको सभी तरीके की जानकारी अच्छे से बताया गया है, ताकि आप लोग को भी किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक ना हो और आप लोग आसानी से अप्लाई भी कर सके। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई भी इजिली कर सकते। सिंपली आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद इस पोस्ट को आप अच्छे से रीड कर लेंगे। इस पोस्ट में आपको सभी तरीके की जानकारी मिल जाएगा, और नीचे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बताया गया। ओके, उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहां पे बता दिया गया, जहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप विथ इमेज के साथ बताया गया, ताकि आप लोग किसी भी तरीके का कोई मिस्टेक नहीं करें और एक बार में आप लोग अप्लाई कर दे। ओके, उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको लिंक टू पे क्लिक करना है। आप लिंक टू पे क्लिक करेंगे, लिंक टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका इंटरफेस ऐसा रहेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे 3-4 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका लिस्ट अभी यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि उसका रिजल्ट अभी तक यूनिवर्सिटी ने अपलोड ही नहीं किया, इसलिए उसका यहाँ पे नहीं हो रहा। जैसे कि हो गया वीर कुंवर आरा यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तिलकामांझी यूनिवर्सिटी। तो तिलकामांझी यूनिवर्सिटी का लिस्ट में नाम अब आ रहा है, क्योंकि आज ही इसको अपलोड कर दिया गया, यहाँ पे वेबसाइट को अपडेट नहीं किया, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि किसका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, जिसका यहाँ पे साफ साफ बताया गया है अप्लाई ऑनलाइन क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जिसका 1 अप्रैल 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक रिजल्ट आया है, सिर्फ उसी का अप्लाई होगा, बाकी का अभी अप्लाई होने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। सबसे पहले तो आपको लिस्ट में नाम चेक करना होगा कि लिस्ट में नाम है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके लिस्ट में नाम भी नहीं है। तो वो इसलिए नाम नहीं, क्योंकि उसका रिजल्ट इस बीच में नहीं आया होगा, इसलिए उसका नाम नहीं है। मैं आपको अब बताता हूँ कि आप लोग अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा रिपोर्ट का ऑप्शन। रिपोर्ट का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पे लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट आ जाएगा, या आपको इसी पोस्ट में यहाँ पे मिल जाएगा फुल लिस्ट डाउनलोड और चेक योर नेम। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिस्ट चेक करने का आ जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना। कल तक यहाँ पे तिलकामांझी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन आज एड हो गया, मतलब कि यहाँ के भी स्टूडेंट अब अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी यूनिवर्सिटी आपका, उस यूनिवर्सिटी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, जो भी कॉलेज है आपका, उस कॉलेज के नाम को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कॉलेज टाइप पता नहीं, तो सिंपली आप इसे ऑल सेलेक्ट कर ले, या पता है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक सेशन दिया गया है, तो एकेडमिक सेशन यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया। ठीक है, जो स्टूडेंट यहाँ पे 2017-21 के बैच के हैं, सिर्फ वही लोग अप्लाई
कर सकते हैं, अदरवाइज और स्टूडेंट यहाँ पे अभी अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि उसका बाद में अप्लाई हो इसी पोर्टल पे, लेकिन उसका लिंक अभी तक यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया गया है और न ही उसका रिजल्ट यहाँ पे अपलोड किया गया और न ही उसका लिस्ट में नाम शो होता है जिसका 2017 से 21 बैच है या उसके ऊपर जो भी है, तो उन्हीं लोगों का लिस्ट में नाम है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2017 से बैच का करता हूँ मैं, उसके बाद सर्च पर क्लिक करूँगा, सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, तो इस बैच का अभी यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ। ठीक, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी का करके दिखा देता हूँ। सिंपली आपको जो यूनिवर्सिटी है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलेज टाइप आपको जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे, कॉलेज नेम को कॉलेज टाइप ऑल, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, मतलब कि इस सेशन के स्टूडेंट का अभी डेटा को अपलोड नहीं किया गया। ठीक है, 2018 से 21 का करेंगे तो यहाँ पे इसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी इससे पहले का कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, 17-21 का भी डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए आप लोग का नाम यहाँ पे शो नहीं होता है। यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी 2018 से 21 के है सिर्फ उसी का नाम है और वही लोग यहाँ पे अभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही लिए कि जिसका रिजल्ट यहाँ पे 1/4/2021 से लेकर के 31/10/2022 तक आया है, सिर्फ उन्हीं लोगों का यहाँ पे लिस्ट में नाम भी है और वही लोग अभी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज यहाँ पे किसी का लिस्ट में नाम ही नहीं है, इसलिए अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे लिस्ट में नाम। ओके, लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा आराम से आप लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे इसी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे पेज बाय पेज दिया गया है तो पेज बाय पेज भी आप चेक कर लेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ 2018 से 21 बैच के ऊपर का अप्लाई हो रहा है, उससे पहले का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। ठीक है, सेशन में, लेकिन यहाँ पे उसका लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है। हो सकता है कि बाद में पोर्टल को अपडेट करे तो उसमें आपका नाम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इन्हीं लोगों का दिया गया, इसलिए सिर्फ जिसका लिस्ट में नाम होगा वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए कि आपको अप्लाई करना है, सिंपली आपको इसी पे आना है। जब आप अप्लाई करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे, सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करते हैं, सिंपली आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, रोल नंबर डाल देंगे, फादर नेम डाल देंगे, गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से डिटेल्स रहता है इसलिए डिटेल्स आ जाएगा। तो जिसका डिटेल्स आ गया वो तो अप्लाई कर रहे हैं, और जिसका यहाँ पे नॉट ए वैलिड स्टूडेंट लिखा हुआ आता है तो उसको क्या करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या है कि जो यूनिवर्सिटी है उसने आपका डेटा को मिसमैच कर दिया होगा या कोई भी एक स्पेल भी मिसमैच होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। तो आपको क्या करना है इसके बारे में और जानने के लिए, सिंपली आपको इसी पोस्ट में आना है। इसी पोस्ट में आने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 10 से 15 दिन तक वेट करना। अगर 10 से 15 दिन में भी आपका नोट ए वैलिड स्टूडेंट्स आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करना है। कॉल तो उठाएगा नहीं कोई, ये तो पता है मेरे को भी, क्योंकि बिहार का डिपार्टमेंट का नंबर ही है, कॉल रिसीव करेगा नहीं, व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई आएगा नहीं। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये मेल आईडी दिया गया है जो कि 2 से 3 दिन में मेल का रिप्लाई आ जाता है, तो आप लोग इस पर मेल कर देंगे। मेल करने के बाद आपका मेल में क्या लिखेंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और आधार कार्ड मार्कशीट को अटैच कर देंगे और उसमें लिख देंगे कि मेरा लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम रहने के बावजूद मेरा नॉट ए वैलिड स्टूडेंट करके आता है, तो आप लोग इसे जल्द से जल्द सॉल्व करिए तो आप लोग का वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, और जिसका लिस्ट में नाम नहीं है तो वो लोग कुछ दिन तक वेट करेंगे, यहाँ पे अभी ये सेशन जो दिया गया है इस सेशन के लिए अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, 2018-21 के बाद का अप्लाई हो रहा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा ही चुका हूँ। आप यहाँ पे अगर कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऑल ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी मैं 2017 से 20 करता हूँ, 2017 से 20 करने के बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नो रिकॉर्ड फोन आएगा या किसी किसी का नाम आ भी सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से चेक कर लेंगे। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे किसी का नाम आएगा, नो रिकॉर्ड फोन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2018-21 के बाद का है सिर्फ उसी का डेटा को अपलोड किया गया है और वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग अब समझ गए कि आप लोग को अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के टाइम में आप लोग को ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिया गया है सिर्फ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना। अब आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि निवास प्रमाण पत्र कौन सा अपलोड करें, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि निवास प्रमाण पत्र का कोई वैधता नहीं होता है, लाइफ टाइम होता है। लेकिन अगर आपका ज़्यादा पुराना है, 2022 से या 20 से पहले का बना हुआ, जिस पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं किया हुआ है, तो वो लोग आप उसको अपलोड नहीं करेंगे। जिस पे डिजिटल सिग्नेचर किया हुआ है सिर्फ उसी को अपलोड करेंगे। तो आप लोग के मन में ये भी होगा कि इसका लास्ट डेट कब का है, तो इसका लास्ट डेट अभी तक मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन 6 से 7 महीना 1 साल भी इसका अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप लोग
लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सही से पहले से बनवा के रखेंगे ताकि आप लोग का भी पैसा एक बार में आ जाए, क्योंकि इस बार कॉलेज से वेरिफिकेशन नहीं होगा, डायरेक्ट आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाए क्योंकि आपका रिजल्ट पहले से अपलोड है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग समझ लिए, आप लोग का जो भी प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया। मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूजन बता देता हूँ कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या बताया है। सबसे पहले तो आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका जवाब आपको मिल गया क्योंकि यहाँ पे 2018-21 सेशन के बाद का है। ओके, और आपका लिस्ट में नाम है और जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है नॉट ए वैलिड स्टूडेंट, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन बता दिया कि आपको क्या करना है। ओके, और तीसरा जिसका लिस्ट में नाम नहीं है तो उन लोगों को क्या करना होगा, कितना दिन वेट करना होगा, आप लोग समझ लिए। तो इस तरीके से आप लोग के मन में जो भी सवाल था या आपका ये भी मन में सवाल था कि लास्ट डेट कब तक का है, कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, किसे कितना पैसा मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली है कि 2021 के बाद जो भी पास किए जो भी अप्लाई करे तो उसे 50,000 रुपया ही मिलेगा, उससे कम उसे नहीं मिलेगा। 25,000 रुपया का अभी कोई भी लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, इसलिए आप लोग वेट करेंगे जिसका जारी नहीं किया गया है। जैसे ही जारी हो जाएगा तो आपको नो एनी थिंग्स वेबसाइट पे और नो एनी थिंग्स यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले पता चल जाएगा और आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ताकि आप लोग को भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो। मैं यहाँ पे अप्लाई करने का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और आ रहा है। इसलिए आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसे अच्छे से अपलोड करेंगे क्योंकि मेरे पास जो पहले अप्लाई कर चुकी है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको मैंने सॉल्व करवा दिया है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप लोग पहले से ही सही करके रखेंगे तो आप लोग को बाद में टाइम नहीं लगेगा और एक बार में पैसा आ जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल क्लिक कर ले। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।